नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होली पर्व के सिलसिले में लगातार दो दिन तक शहर भर में सघन चौकसी करने के बाद धुलेंटी के दूसरे दिन बुधवार को पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। राजधानी में इस दौरान मुख्य कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में हुआ। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवसकर ने गुलाल लगाकर साथ ही पुलिस अधिकारियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रंग उड़ाने के लिए बनी बंदूकों से उन्हें गुलाल ने पुलिस लाइन परिसर को रंग बिरंगा कर दिया। इसके अतिरिक्त राजधानी के सभी थानों में भी पुलिस मस्ती के मूड में नजर आए। इस दौरान स्थानीय नागरिक भी पुलिस के साथ होली खेलते नजर आए। होली के लिए नेहरू नगर पुलिस लाइन में विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सादा कपड़ा पहनकर पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवसकर और डीसीपी विनीत कपूर ने सभी पुलिस कर्मियों को होली की शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कल का होली का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें कुछ लोगों की करीब 250 गाड़ियाँ जब्त करनी पड़ी हैं जो शराब पीते हुए पाए गए हैं। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध रहेगा कि शराब पी करके गाड़ी न चलाएं। शराब जो है आपको अगर किस्मत वाले रहे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, नहीं तो यमराज पकड़ सकते हैं। तो इस बात का आप लोग भविष्य में भी ध्यान रखें। मुझे आज यहाँ पर पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सभी रैंक्स के आरक्षक से लेकर के डीसीपी और कमिश्नर तक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध रहेगा आज हमारे साथ होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज होली मिलन समारोह नेहरू नगर पुलिस लाइन में पूरे भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के कर्मचारियों हेतु आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने दो दिन से लगातार ड्यूटी कर रहे थे पुलिसकर्मी होली के त्यौहार की, तो आज जिस तरह की मध्य प्रदेश की ट्रेडिशन है मध्य प्रदेश पुलिस की कि होली के एक दिन बाद पुलिस की होली मनाई जाती, तो आज बहुत रंग उल्लास के साथ ये होली मनाई जा रही है। और ये सभी पुलिसकर्मी एक तरह से स्ट्रेस रिलीफ हो रहे हैं अपने इस ड्यूटी से, और इनको सभी को आज कमिश्नर साहब ने शुभकामनाएं भी दी। जी, सबसे पहले आपको हैप्पी होली आप सभी को, और मैं कहना चाहूँगी कि साल में पुलिस वालों केवल एक दिन मिलता है साथ में एंजॉय करने का, क्योंकि ये भी एक परिवार है और हम लोग वैसे तो मिल नहीं पाते हैं। केवल आज के दिन ही हम लोग का गेट टूगेदर होता है और हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। बाकी डेज तो हम लोग की एज यूजुअल ड्यूटी ही रहती, कोई भी त्यौहार हो छुट्टी तो मिलती नहीं है। बहुत अच्छा लगा और हर साल यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं पिछले 5 साल से हूँ तो हम लोग हर साल आते इंजॉय करते हैं। बाकी बहुत अच्छा त्यौहार है और थैंक्स टू हमारे आरआई सर, उनने ही ये ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत अच्छा लगा और सभी को हैप्पी होली। थैंक यू। नाम मेरा प्रतिभा मिश्रा है। थैंक यू। मेरा नाम रीना। आपको आप सभी को हैप्पी होली, हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का पर्व पुलिस परिवार की ओर से मनाया गया
पुलिस की होली सभी होली धुरंडी के दूसरे दिन मनाई जाती है ताकि सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी करने के बाद फ्री होके होली सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ सारे अधिकारी कर्मचारी सभी एक ही तरह से होली मनाते हैं और अच्छा लगा, आप सभी का धन्यवाद। नाम रीना नगर। बिल्कुल, हर साल की तरह इस बार भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और ये बहुत जरूरी है हमारे पुलिस वालों के लिए। सभी आपको मालूम कि लगातार ड्यूटियाँ चलती रहती हैं, आप पिछले विधानसभा सेशन के दौरान देख भी रहे होंगे, लगातार जब से विधानसभा सेशन चल रहा है रोज़ की लगातार बड़ी बड़ी ड्यूटियाँ, फिर भी VIP विजिट और धरना प्रदर्शन, इस वजह से सुबह से लेकर स्ट्रेस जो चलता है स्ट्रेस कम नहीं हो पाता। आप लोग देखे होंगे यहाँ पर सभी ने, जितने भी लोगों ने हैं, बहुत इन्जॉय किया, बहुत होली खेली, हंसा नाचा, यही है, स्ट्रेस फील हो जाता है। धन्यवाद है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का जिन्होंने हर साल की तरह इस बार भी आयोजन कराया होली मिलन समारोह का और आप लोगों ने भी एंजॉय किया, धन्यवाद। आप लोग भी यहाँ पधारे, थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तब तक के लिए धन्यवाद।